नमस्कार बच्चों, कक्षा दो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ एक। बच्चों, पाठ एक हमने पढ़ लिया था, अभ्यास कार्य भी पूरा कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे पाठ दो। तो बच्चों, पाठ दो करने से पहले हमने जो पाठ एक का अभ्यास पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको एक बार दोहराएंगे, फिर हम शुरू करेंगे आज पाठ दो। तो चलिए बच्चों, पहले हमने जो पिछले वीडियो में किया था उसे दोहरा लेते हैं, फिर आगे करते हैं। तो पाठ एक जो कि कविता थी, पाठ एक जो कि कविता थी और इसका हम कर रहे थे, हमने सारे कर लिए थे। कल हमने शुरू किया था प्रश्न तीन से, समान तुक वाले शब्दों को रेखा खींच कर मिलाओ। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला है वाणी, झरना, गाते, गीत, रहना। तो तुक वाले शब्द बच्चों जिसे जिसमें एक ही लय और ताल होता है उसे हम तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा वाणी, वाणी उसके बाद दूसरे कॉलम में हमारे पास शब्द है प्राणी। जब हम पढ़ रहे हैं तो दोनों का लय एक ही है, इसलिए हम इसको कहेंगे तुक वाले शब्द। वाणी आखिरी शब्द या आखिरी एक शब्द या आखिरी दो शब्द, जिस हिसाब का जैसा शब्द है उस हिसाब से एक ही होते हैं। तो जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो एक उसमें लय रहता है। तो यहाँ पे वाणी, प्राणी, झरना, भरना, गाते, लाते, गीत, मीत, रहना, बहना। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला एक शब्द बने, दो शब्द बने आखिर के एक शब्द, या फिर अगर तीन शब्द वाले, तीन अक्षर वाले शब्द हैं तो आखिर के दो। जैसे कि हमारे पास वाणी, वाणी, वाणी में हमारे पास एक शब्द आखिरी का एक शब्द, इसके साथ जो तुक वाला शब्द है यह है प्राणी। तो इन दोनों के आखिरी शब्द एक ही है, इसलिए जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो दोनों का लय एक ही आ रहा है। वाणी, प्राणी, तो आखिरी के दोनों शब्द एक होने की वजह से तुक बन रहा है, जिसे हम इसलिए हम इसे तुक वाले शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द है झरना, झ र ना। जैसा कि मैंने बताया, अगर एक दो शब्द अक्षर वाले शब्द है तो आखिरी शब्द, अगर तीन अक्षर वाले शब्द हैं तो दूसरा और तीसरा दोनों शब्द तुक बनाएंगे। जैसे कि झरना, झरना का यहाँ पे भरना, भ र ना, भरना। तो यहाँ पे हमारे पास र, यहाँ पे भी र है, न व्याकृत मात्र ना, यहाँ पे भी ना, इससे क्या बनता है, तुक बनता है, इसलिए हम इनको कहते हैं तुक वाले शब्द। फिर उसके बाद तीसरा शब्द हमारे पास है गाते, गाते। तो यहाँ पे हमारे पास दो अक्षर, अब इसके गाते के साथ होगा लाते, ला ते। तो यहाँ पे हमारा एक ये है ते, एक ये है, ये दोनों है, ये दोनों बनाते हैं तुक। तो इसका लास्ट वाला शब्द, इसका लास्ट वाला शब्द, इसका आखिरी शब्द अक्षर और उसका आखिरी अक्षर, यहाँ पे दो अक्षर शब्द वाले, दो अक्षर वाले शब्द है, ये भी दो अक्षर वाले शब्द है, इसका भी आखिरी, इसका भी आखिरी एक ही शब्द है, इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे तुक बनता है, जैसे गाते, लाते। उसके बाद हमारे पास है गीत, गीत, मीत, गीत, गीत, उसके बाद है मीत, मीत। यहाँ पे भी हमारे पास दो अक्षर है, दो अक्षर वाला शब्द है, दो अक्षर वाला शब्द है, इसलिए आखिरी एक शब्द दोनों का सेम है या एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे बनता है तुक। तो हम इसको पढ़ते हैं गीत, मीत, तो यहाँ पे भी तुक बना। फिर उसके बाद हमारे पास रहना, अगला शब्द है रह, है ना, रहना में तीन अक्षर वाले शब्द है रहना, तो हमारे पास ह और ना, यहाँ पे हमारे पास है वह है ना, बहना, बहना में ह और ना दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें तुक बनता है, रहना, बहना।
तो इसी तरह सारे शब्द है, वाणी प्राणी झरना भरना गाते लाते गीत नीत रहना बहना। तो ये हो गए हमारे तुक वाले शब्द। अब हम करेंगे अपना अगला प्रश्न। इन तुक वाले शब्दों को हमने कल भी पढ़ा था और समझा था, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न चार। प्रश्न चार में हमने आधा शब्द पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ शब्द एक आधा और एक पूरा मिलकर के संयुक्त अक्षर बनाते हैं और कुछ शब्द आधा और पूरा अक्षर मिलकर के दूसरे शब्द बनाते हैं। तो जैसे कि संयुक्त अक्षर में हमारे पास श्र, श्र गया है, इसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। और जहां तक कि आधा च और च ऐसे ही लिखा जाता है, हम आधा च लिखते हैं और पूरा च लिखते हैं, उसके बाद फिर हम उसे शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें पढ़ करके समझते हैं। प्रश्न चार है, पढ़ कर समझो, समझो पढ़ कर समझो। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द है श, श के नीचे हलंत है, जैसा कि मैंने आपको बताया है हलंत का मतलब होता है आधा, तो श को हम आधा पढ़ेंगे और आधा श को हम किसके साथ मिलाएंगे, ग के साथ मिलाएंगे, तो हमें एक नया शब्द मिलेगा, इसे हम श्र कहते हैं और इस श्र को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। यहाँ पे हमने एक आधा और एक पूरा अक्षर को मिला करके नया अक्षर बनाया है, इसलिए श्र को हम व्यंजन वर्ण में नहीं गिनते हैं, इनको हम अलग से संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं। तो इनसे हम अब शब्द बनाएंगे, श्र से बच्चों बन जाएगा श्री, श्री बन जाएगा, श्र मिट बन जाएगा, फिर उसके बाद श्री मान बन जाएगा, फिर उसके बाद कुछ शब्द हमारे किताब में दिए दिए हुए हैं, मिश्री बन जाएगा मिश्री, और या फिर बनेगा परिश्रम, परिश्रम परिश्रम, ये बन गए शब्द। और भी एक शब्द यहाँ है श्रवण, श्रवण। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ये है आधा शब्द, ये है ग्र, इन दोनों को मिला के जो शब्द बना ये है श्र, इसे हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। अब इससे बनेगा श्री श्रमिक श्रीमान मिश्री परिश्रम श्रवण। तो बच्चों इस तरह से हमने कई शब्द बनाए। अब हमारा अगला शब्द है च, और च के नीचे हमारे हलंत है, एक पहले च के नीचे हलंत है और दूसरा च पूरा है, तो हम जब यहाँ बनाएंगे तो हमें यहाँ पे कोई तीसरा शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन हमें जो मिलेगा वो है आधा च और पूरा च। इस आधे च और पूरे च को मिला करके हम शब्द बनाएंगे, तो जैसे कि च च च च, तो च हो जाएगा, तो हम इसको बच्चा, फिर बच्चा, इस तरह से हम और भी शब्द बना सकते हैं, बच्चे कच्चे, तो बहुत सारे हम सच शब्द बना सकते हैं, सच्चा, यह हमारा बना शब्द। तो यहाँ पे हमारा हमको मिला संयुक्त अक्षर श, और यहाँ पे आधा च और च पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इनको इनसे हमने कई शब्द बनाए, इसी तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है प्रश्न पांच। प्रश्न पांच में हमने पढ़ा था, प्रश्न पांच में हमने पढ़ा था शब्दों को उलट करके लिखना, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पांच है, इन शब्दों को उलट कर, उलट कर लिखो, इन शब्दों को उलट कर लिखो। अब जब हम उलट करके लिखेंगे तो हमें एक शब्द मिलेगा जिसका अर्थ हमें समझ में आता है आएगा, इसलिए वह शब्द कहलाएगा। तो यहां पे है च और ना, पहला शब्द है च और ना, जब हम इसको उल्टेंगे तो ये बनेगा ना च। तो जिस तरह से चना का अर्थ हम जानते हैं, हमें पता है चना का अर्थ क्या होता है, वैसे ही नाच का भी शब्द, नाच शब्द का भी अर्थ होता है, इसलिए हम इन दोनों को शब्द कहेंगे।
अगर कभी कभी हम कुछ शब्दों को उलटते हैं तो वहां कोई मतलब नहीं निकलता, तो वह शब्द शब्द नहीं कहलाएगा और वह शायद सही होगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम जो भी उलट करके देख रहे हैं, चलिए देखते हैं सबका शब्द बनता है, सब सही शब्द है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास है छ ना चना, उसका उल्टा हो जाएगा नाच नाच। उसके बाद हमारे पास है चीनी चीनी। चीनी का क्या बनेगा बच्चों? चीनी का बनेगा नीची। यहाँ पर भी नीची का भी अर्थ होता है, तो यह भी सही है। फिर उसके बाद हमारे पास है हवा। हवा का क्या हो जाएगा? हवा वा। हवा का हो जाएगा वा वा। हवा का हो जाएगा वा। उसके बाद रहा। रहा का क्या हो जाएगा? र हा। रहा का हो जाएगा हा र हा। रहा का क्या हो जाएगा? हा र। यह भी शब्द है, किसका अर्थ है? बजे बजे। बजे का क्या हो जाएगा? जे ब जे ब। बजे का हो जाएगा जे ब। फिर उसके बाद हमारा आखिरी शब्द है राखी। राखी राखी का हो जाएगा ही र। राखी का हो जाएगा ही र। तो इस तरह से हम जब इन शब्दों को उल्टेंगे तो एक नया शब्द मिल जाएगा। नया शब्द हम शब्द उन्हीं शब्दों को कहते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जिससे हमें पढ़ने से, बोलने से या सुनने से कुछ समझ में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ जब पढ़ रहे हैं चना चना कह रहे हैं, तो हमें चना हमारे विचार में आ रहा है, हमको एक तस्वीर हमारे दिमाग में बन रही है, मतलब यह शब्द है। जब हम इसको उलट रहे हैं तो भी नाच नाच से भी हमारे दिमाग में एक चित्र बन रहा है और हमें कुछ समझ में आ रहा है, इसलिए इनको हम शब्द बोलेंगे। चाहे हम इन्हें सीधा लिखें चाहे उल्टा लिखें, दोनों तरफ से हम यहाँ पे हमारे शब्द बन रहे हैं। तो यह है, उल्टा करके हमने शब्द बनाए हैं, इन शब्दों को उलट कर लिखो और हमने इन सब को उलट करके नए शब्द बनाए हैं। हवा वाह रहा हार बजे जे राखी ही। तो इस तरह से बच्चों हम लिख करके और भी शब्दों का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न हमारा था अब करने की बारी। जैसा कि हम हर पाठ में करते हैं, यहाँ पे कुछ कार्य होता है जहाँ पे हम खुद से कुछ करते हैं। जैसे कि बच्चों पहला प्रश्न हमारे पास है कक्षा में शब्दों की अंताक्षरी खेलो। शब्द अंताक्षरी का मतलब है एक शब्द एक बच्चा बोलेगा और दूसरा बच्चा उसके आखिरी शब्द से दूसरा शब्द बनाएगा और फिर तीसरा बच्चा दूसरे बच्चा जो बोलेगा उसके आखिरी शब्द से बनाएगा, जिसे हम कहते हैं शब्द अंताक्षरी। और इस तरह से बच्चों हमें हमारा जो शब्द ज्ञान है वह बढ़ेगा और हम अपने दिमाग पे जोर डाल करके नए नए शब्द बनाना सीखेंगे, तो इससे आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा। जो आपका अपना शब्दकोश है जितना आप जानते हैं उसमें भी वृद्धि होगी। तो बच्चों यह आप कक्षा में भी कर सकते हैं, इसे आप जब आप घर में खाली बैठे हैं तब भी आप इस तरह के खेल खेल करके अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपने ज्ञान में भी वृद्धि कर सकते हैं। और इस तरह से हम हमेशा टीवी और मोबाइल पे नहीं बैठेंगे, हम जब इस तरह के खेल खेलेंगे तो हम मोबाइल और टीवी से भी दूर रहेंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए बच्चों इस तरह के काम इस तरह की चीज़ें करने से, इस तरह के खेल खेलने से हमारे भाषा में भी वृद्धि, हमारे भाषा ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो आप इसे घर पर जब भी अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर में बड़े भाई बहन के साथ भी बैठ करके यह खेल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों अपनी कविता बनाओ। यहाँ कविता बनाने से क्या होता है कि हमें हम रचनात्मक बनते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो हमारी रचनाएं हैं या हमारा जो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आती है। ठीक है हम बहुत अच्छी रचना नहीं बना सकते, हम बहुत अच्छी कविता नहीं लिख सकते, लेकिन इसी तरह जब हम कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे हैं और स्कूल के यूनिफॉर्म में मतलब ड्रेस में है और एक झंडा हाथ में लिए हैं। तो उसके बाद कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो हमें दिखा रही है कि हम अपने देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ करने जा रहे हैं और हमारे देश के बारे में ही यह कविता है। तो चलिए हम
एक एक करके पंक्ति पढ़ते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी तरह से हम क्या जोड़ सकते हैं। तो पहली पंक्ति है हम डैश डैश बच्चे हैं। तो हम यहाँ पे पहली पंक्ति है हम एक दो डैश है बच्चे हैं। तो बच्चे कैसे होते हैं बच्चों, आप खुद सोचो, बच्चे हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। तो अगर हम देखें हम छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी ठीक है, इसकी जगह हम नन्हे भी ले सकते हैं, छोटे छोटे भी ठीक है या फिर नन्हे बच्चे, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम कैसे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं। फिर उसके बाद अगले पंक्ति है नादान उम्र। नादान मतलब, नादान मतलब कि जिसको बहुत ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं, मतलब छोटे बच्चे हैं तो हमारी सोच समझ भी एक लिमिटेड है, मतलब एक हद ही तक हम सोच सकते, बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते, और फिर हम हमारी सोच समझ में नादानी दिखाई देगी, बचपना दिखाई देगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे नादान बोला गया है। तो नादान उम्र, उम्र मतलब एज, नादान उम्र। फिर उसके बाद हमें तीन डैश दिया गया है, हम नादान उम्र के कच्चे, मतलब उम्र के कच्चे मतलब अभी हम पूरी तरह बड़े नहीं हुए या पके नहीं है, मैच्योर जिसे हम कहते हैं, परिपक्व नहीं हुए। तो हम जैसा कि हम जानते हैं हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं और नादान उम्र के कच्चे, नादान है और उम्र के कच्चे, उम्र के कच्चे कच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। फिर उसके बाद पर अपनी डैश डैश पक्के हैं, मतलब अब हमारी अगली पंक्ति क्या है, पर अपनी अपनी डैश डैश पक्के पक्के हैं, पक्के हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं, मतलब हम भले नादान उम्र के बच्चे हैं, बहुत हम परिपक्व नहीं हैं, लेकिन जो हम ठान लेते हैं उसके पक्के हैं। अगर हमने कुछ ठान लिया करने की तो उसमें उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पे ये कभी हमें बताना चाह रहा है कि हम भले कम उम्र के हैं, अभी हम परिपक्व नहीं हुए हैं, हमारी सोच समझ में नादानी है, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम सोच लेते हैं उससे हम डगमगाते नहीं हैं और वह करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी जो भी सोचते हैं सोच के पक्के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, या सोच को हम यहाँ धुन लिखेंगे, जो हम जिसका हमें धुन हो जाता है, अपनी धुन के, जिस जो हम ठान लेते हैं, जो करने की सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, उसके हम पक्के हैं। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ हमने लिखा धुन के, तो पर अपनी धुन के पक्के हैं। धुन मतलब जो हमको जो चीज हम सोच लेते हैं और जो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है वह हम कर दिखाते हैं, तो हम अपनी धुन के पक्के हैं। उसके बाद हमारे पास अगली पंक्ति है हम डैश डैश जाएंगे, हम डैश डैश जाएंगे, हम डैश डैश जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं आगे बढ़ते जाएंगे, आगे हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। फिर आखिरी पंक्ति हमारी है भारत की शान बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने बताया ये देशभक्ति का है, तो हम ऐसा शब्द लिखेंगे जिससे भारत की शान बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। बच्चों जैसा कि मैंने बताया यह देशभक्ति गीत है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने हाथ में झंडा लिया हुआ है और वह मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह का गीत गा रहे हैं।
तो हमने भी गीत भी वैसा ही लिखा है बनाया है। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के बच्चे हैं, पर अपनी धुन के पक्के हैं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं पर हम अपने धुन के पक्के हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो हमने ठान लिया है वह हम करके दिखाएंगे, और वह करने के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे और भारत की शान बढ़ाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने एक कविता बनाई। आप अगर चाहें तो कुछ और शब्दों को जोड़ करके, आप इन शब्दों को ना जोड़ करके किसी और दूसरे शब्दों को भी जोड़ करके एक नई कविता बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कि अपनी पसंद की कोई कविता याद करके सुनाओ। तो आपको अगर इस तरह की देशभक्ति से भरा कोई भी गीत या प्रकृति से, क्योंकि हमारा पहला पाठ प्रकृति से संबंधित है, तो आपको प्रकृति से संबंधित कोई गीत अच्छा लगता है या कविता अच्छी लगती है तो आप उसे याद करके सुना सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा पाठ एक, जो कि एक कविता थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ भी समझ में आया होगा और उसका अभ्यास कार्य भी समझ में आया होगा। तो आप इसे कविता को याद करेंगे, अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और चित्र बनाएंगे और अभ्यास कार्य को भी पूरा करेंगे। और उसके बाद हमारे पास है बच्चों दो सहेलियाँ। बच्चों दो सहेलियाँ हमारा अगला पाठ है। तो बच्चों हम अब शुरू करेंगे अपना अगला पाठ। तो बच्चों आपने कभी तितलियाँ देखी है? तितली बहुत सुंदर होती है। तो अभी हमने जो कविता पढ़ी उसमें भी हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा, और हमारा अगला पाठ भी प्रकृति से ही संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम ऐसे जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रकृति से संबंधित है, जिसे प्रकृति ने बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं जो भी चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है बहुत ही खूबसूरत होती है और हमें बहुत ही प्रभावित करती है। और दूसरी चीज़ बच्चों आप दोस्ती करते हैं, और सभी लोग दोस्ती करते हैं, आपने भी दोस्ती की होगी, तो आप कैसी दोस्ती करते हैं, आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं? जो बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, और जो मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, जो मदद करने वाले होते हैं। तो हम पहले आदमी के बारे में या किसी के बारे में भी पहले समझ लेते हैं जब हमको उसका आव भाव आचरण व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, तब जा करके तो हम दोस्ती करते हैं। तो आप सभी लोगों के मित्र होंगे ना, तो आपके मित्र आपकी मदद करते हैं आपको जब किसी कभी कोई परेशानी होती है, तो आपके मित्र आपकी मदद करते हैं? बिल्कुल करते होंगे, ठीक है। मित्र का मतलब ही होता है जो हमारे सुख दुख में हमारे काम आए। तो बच्चों यहाँ पे आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ दो, दो सहेलियाँ। यहाँ पे दो सहेलियाँ, अगर हम दो सहेलियाँ बोले तो आप समझ ही रहे होंगे। पाठ दो, दो सहेलियाँ, दो सहेलियाँ। सहेलियों का मतलब क्या हुआ? सहेलियों का मतलब क्या हुआ? हम दो लड़कों को तो सहेलियां कहेंगे नहीं, तो लड़कियां जब होंगी तो सहेलियां कहेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास दो तितलियां हैं जो मादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तितलियां हैं सहेलियां हैं, मतलब दोनों मादा है। तो यहाँ पे जिन दो सहेलियों के बारे में बातें करने जा रहे हैं बच्चों, यह दो तितलियां हैं। तो बच्चों इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से दो दोस्त एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, हम कैसे मित्र बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे मित्र बनाते हैं, आपको जो मित्र पसंद आता है, जिसका व्यवहार पसंद आता है, जिसका आवभाव पसंद आता है, जो आपकी मदद करता है समय पे और जो आपको सुनता है, उसे आप अपना मित्र बनाते हैं। और उसके बाद आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या काम करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ होमवर्क करते हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ टीवी देखते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हैं,
और सबसे बड़ी चीज आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो सारे काम जो हम अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, बहुत सारे काम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और जब मुसीबत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं और वो भी हमारी मदद करते हैं। सिर्फ एक ही की मदद करने से नहीं होगा, दोनों को एक दूसरे की मदद करनी होगी और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। और लेकिन बच्चों, कभी आपने सोचा है अगर आपको या आपके मित्र को कोई कभी कैद कर ले, कैद मतलब बंद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? बच्चों, अगर आपको या आपके मित्र को कोई कैद कर ले तो आपको कैसा लगेगा? कैद में रहना मतलब बंद करके रखना, उसे कोई आजादी नहीं है, वो घूम नहीं सकता, कर नहीं सकता, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। और हमें पशु पक्षियों को यहाँ पे इस कविता में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह जो तितली है उसको कैद कर लिया जाता है। और उसके बाद जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि कभी भी किसी भी पशु पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पशु पक्षी होते हैं यह कैद में रहना बिल्कुल नहीं पसंद करते। क्या हम कैद में रहना पसंद कर सकते हैं? करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तब हम सब अपने घरों में बंद थे, 2 महीने 2.5 महीना हम लोग अपने घर से बिल्कुल नहीं निकले, तो क्या आपको अच्छा लग रहा था? जबकि हम वहाँ कैद नहीं थे, हम अपनी मर्जी से अपने घर में बंद थे, इसलिए क्योंकि अगर हम बाहर निकलते तो हमें कोरोना हो जाता, लेकिन फिर भी हमें घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मन करता था कि हम बाहर जाएं, जबकि हमें पूरी आज़ादी थी बाहर जाने, और हम अगर नहीं निकल रहे थे तो अपनी मर्जी से नहीं निकल रहे, क्योंकि हमें अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और हम भी बीमार पड़ेंगे, हमारा पूरा परिवार बीमार पड़ जाएगा। तब भी हमारा मन करता था कि हम बाहर जाएं। तो आप सोचो, अगर आपको कोई और अपनी मर्जी से बंद कर दे या कैद कर दे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चों, हम प्राकृतिक चीज़, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं या जो भी हमारे आसपास हैं, बहुत सब चीज़ें, और वो भी स्पेशली जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, ये तो एकदम खुले वातावरण में घूमते हैं, विचरते हैं, इधर से उधर आते जाते हैं, तो इन्हें तो हमें बिल्कुल भी कैद करना नहीं चाहिए, यह बहुत गलत है। चाहे वो छोटे जीव जंतु हों या बड़े जीव जंतु हों, हमें किसी को भी कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ते हैं कि किस तरह से तितली को कैद किया गया और किसने कैद किया। ठीक, तो हमारे जैसा कि मैंने बताया, पाठ 2, दो सहेलियां। अब ये दो सहेलियां कौन है? दो सहेलियां दो तितलियां हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे दो सहेलियों के बारे में, और ये दो सहेलियां कौन है? ये दो सहेलियां दो तितलियां। और बच्चों, आप जानते हैं इन दोनों सहेलियों के बारे में क्या खासियत है? क्या आपको पता है इन दोनों के बारे में क्या खासियत है? इन दोनों की ये खासियत है कि एक सुनहरे रंग की है और दूसरी रुपहले रंग की है। अच्छा, रुपहले और सुनहरे रंग का क्या मतलब होता है? रुपहला रंग मतलब बच्चों जो चांदी जैसा होता है, चांद से आता है रुपहला रंग, जो चांदी जैसी चमकती है उसे हम रुपहला कहते हैं, और जो सोने जैसी पीले रंग की होती है उसे हम सुनहरा कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो तितलियाँ हैं, एक सुनहरे रंग की है, सोने जैसे पीला रंग जब चमकता है तो उसे हम सुनहरा कहते हैं, सोने जैसा सुनहरा, और जब रुपहला रंग यानी सफ़ेद रंग, चमकीला सफ़ेद रंग को हम रुपहला यहाँ कहेंगे, चांद की चमक जो होती है, चांद की चमक को हम रुपहला कहते हैं। तो एक तितली रुपहले रंग की है और दूसरी तितली क्या है? सुनहरे रंग की है। तो बच्चों, इसी तरह से इनका नाम भी है, जो सुनहरे रंग की तितली है उसका नाम है सोना, और जो रुपहले रंग की तितली है उसका नाम है सोना। तो इन दोनों तितलियों के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये दोनों तितलियाँ सहेली। यहाँ पे हमारे पास जो दो तितलियाँ हैं ये दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं, और एक, जैसा कि मैंने बताया, एक सुनहरे रंग की है इसलिए इसका नाम है सोना, और दूसरी एक सुनहरे रंग की है इसलिए इसका नाम है सोना, और एक रुपहले रंग की है इसलिए उसका नाम है रूपा। रूपा का
मतलब रूपा शब्द वो पहले रंग से आया और सोना शब्द सुनहरे रंग से आया। तो बच्चों यह है हमारा अगला पाठ और इस पाठ में हम इन दोनों तृतीयों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस पाठ का इंट्रोडक्शन कर लिया या परिचय कर लिया, अब अगले वीडियो में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।